भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच का पहला दिन पूरे तरीके से दोनों टीमों के नाम रहा, जहां पर भारत का इनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी अटैक 5 विकेट लेने में सफल रहा। ये 8 विकेटें या 10 विकेटें भी हो सकती थी अगर भारतीय फील्डर अच्छे से कैच पकड़ते। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी तक जो इस पूरी सीरीज में उनका प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजी से, तो वो खुश होगी कि उन्होंने 274 रन बोर्ड पर लगा लिए हैं और 5 विकेट ही उनके गिरे। फिलहाल कैमरन ग्रीन और कप्तान टिम पेन शानदार तरीके से क्रीज पर डटे हुए हैं। लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद यहां पर टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, खबरों की माने तो रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारा गेंदबाजी अटैक इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन हर खिलाड़ी अपने रोल को समझता है और हर खिलाड़ी सीरीज की अहमियत को जानता है। रोहित ने कहा कि अगर हमें यहाँ जीतना नहीं होता तो हम इस इंटेंट के साथ आते ही नहीं। अगर हम यहाँ आए हैं तो हमारा इंटेंट सिर्फ और सिर्फ जीतने का है। लोगों को मजा आ रहा है और टेस्ट मैच का सही मजा यही है। रोहित ने कहा कि अभी इस टेस्ट मैच में 4 दिन का खेल बाकी है, अभी बारिश भी प्रभाव डालने वाली है, ऐसे में इस टेस्ट मैच का रुख किस ओर मुड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन रोहित ने यह भी कहा कि अगर हमें इस टेस्ट मैच में कुछ अच्छा करना है तो हमें जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की पारी को 300 या 325 के अंदर रोकना होगा, वरना ऑस्ट्रेलियाई टीम काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन की पिच दूसरे और तीसरे दिन काफ़ी तेज़ी से बिहेव करती है, इस वजह से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 42 साल से ब्रिस्बेन में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहद शानदार है। और टीम इंडिया ही इकलौती ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर खदेड़ने का मादा रखती है। भारत सीरीज जीतने के एक बार फिर करीब, अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है। लेकिन हिटमैन के बयान ने अपने फैंस को और टीम इंडिया के फैंस को और दुनिया भर के फैंस को इस बात का दिलासा दिया है कि ये टीम डर कर नहीं लड़कर खेलेगी। ANP न्यूज रूम से नीरज सहाय की रिपोर्ट।